एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां अब तक जीवन संभव हो सका है। पृथ्वी के विपरीत हमने जो भी नया ग्रह खोजा है वह हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर हम दूसरे प्लैनेट में ऑक्सीजन और पानी की अनुपलब्धता जैसी कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढ लें तो कुछ रहने योग्य बन सकते हैं। अन्य प्लैनेट अभी भी मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये घातक ग्रह मानव जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इस सूची के अधिकांश ग्रह न केवल बहुत गर्म या बहुत ठंडे हैं, उनके पास और भी भयानक स्थितियां हैं जो कभी भी जीवन का समर्थन नहीं करेंगी। अत्यधिक तापमान के साथ साथ कुछ अन्य वायुमंडलीय स्थितियां भी सबसे घातक ग्रहों की उग्रता में योगदान करती हैं। केल्ट 9 एक विशाल तारा है जो हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना बड़ा है, जिसका औसतन तापमान लगभग 9700 डिग्री सेल्सियस है। नतीजतन केल्ट पर तापमान भी अविश्वसनीय रूप से 4300 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यह तापमान इसे जीवन के लिए सबसे गर्म ग्रह बनाता है। इसका वातावरण हाइड्रोजन से भरपूर है जो लगातार उबल रहा है और अंतरिक्ष में उड़ रहा है। केल्ट 9 भी अपने मेजबान तारे से बुध के सूर्य से 10 गुना अधिक नजदीक है और यही कारण है कि केल्ट के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में इस एक्सोप्लैनेट को केवल 1.5 दिन लगते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 200 पृथ्वी वर्षों में इस एक्सोप्लैनेट का पूरा वातावरण जल जाएगा। HD 18 97 33 भी कई कारणों से सबसे घातक ग्रहों की सूची में शामिल है। हालांकि इसका एक विशिष्ट नीला रंग जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, यह मानव अस्तित्व के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। एक्सोप्लैनेट का नीला रंग इसके सिलिकेट समृद्ध बादलों के कारण होता है जो पिघले हुए कांच की बारिश का कारण बनते हैं। ग्रह पर चलने वाली अत्यधिक तेज हवाएं जो 87-100 किलोमीटर प्रति घंटे तक के कारण इस कांच जैसी वर्षा की दिशा को साइड में करती है, यदि इस हवाओं से आप बच भी जाएं तो HD 18 97 33 भी पर उच्च तापमान जिससे आप नहीं बच सकते हैं, यह निश्चित रूप से जीवन को समाप्त कर सकता है। यह ग्रह अपने मेजबान तारे के इतना करीब है कि इसके चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में इसे केवल 2.2 पृथ्वी दिन लगते हैं। सबसे घातक ग्रहों की हमारी सूची में अगला नाम शुक्र का है, जो जीवन के लिए सबसे भयानक हो सकता है, क्योंकि यह एकमात्र ग्रह है जो हमारे अपने सौर मंडल में स्थित है। इस ग्रह के सल्फर डाइऑक्साइड बादलों ने कार्बन डाइऑक्साइड को इसके वायुमंडल से कभी बाहर नहीं निकलने दिया। परिणाम स्वरूप ग्रह पर अधिक से अधिक गर्मी जमा हो जाती है जिससे विनाशकारी तापमान बढ़ जाता है। गर्म तापमान की यह लहर ध्रुवों सहित शुक्र के सभी हिस्सों तक फैली हुई है। ग्रह पर अधिकतम तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा और बर्फबारी ग्रह के वायुमंडल की शत्रुता को बढ़ा देती है। इस एक्सोप्लैनेट की विचित्रता इसके स्वरूप से ही शुरू हो जाती है। आमतौर पर देखे जाने वाले ग्रहों के गोलाकार आकार के विपरीत WASP-121b एक अमेरिकी फुटबॉल जैसा दिखता है। हालांकि ग्रह का आकार इसकी घातक प्रकृति का कारण नहीं बनता है, लेकिन यह वहां देखी गई भयानक स्थितियों के देखे जाने वाले प्रभावों में से एक है। WASP-121b के कठोर पहलुओं पर आगे बढ़ते हुए यह इतना गर्म है कि इस ग्रह पर सभी वस्तुएं जैसे मैग्नीशियम और लोहे जैसी वायुमंडलीय धातुओं सहित गैसीय अवस्था में रहती हैं। केल्ट 9 की तरह WASP-121b अपने तारे के बेहद करीब है। लगभग वैज्ञानिकों का मानना है कि मेजबान तारे का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक्सोप्लैनेट के अजीब आकार के लिए जिम्मेदार है। प्रोक्सिमा बी की खोज के समय प्रोक्सिमा बी को जीवन को आश्रय देने के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में माना जाता था। शुरुआती नतीजों में कई आशाजनक संकेत दिखे जैसे तरल पानी, लेकिन चीजें बहुत तेजी से बदल गईं। वैज्ञानिकों को जल्द ही एहसास हुआ कि ग्रह लाल ड्वार्फ तारे प्रोक्सिमा सेंट्री के काफी करीब है। इस कारण इसका एक किनारा जम गया है, जबकि दूसरे हिस्से में तारे से तीव्र गर्मी का अनुभव हो रहा है। इसी तरह प्रोक्सिमा बी अपने स्टार होस्ट द्वारा
लगातार छोड़ी जाने वाली सौर ज्वालाओं के कारण बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में है, इसलिए इस घातक ग्रह पर निवास करने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गईं।